हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। इसके साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक प्राइवेट कंपनी, एक ग्रॉसरी कंपनी या सुपरमार्केट, जो कि आप बोल सकते हैं स्पेंसर, जो कि है एक यहाँ पे आप ग्रॉसरी के आपके बहुत सारे जो कि आप सामान मिल सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो कि बहुत सारे सेल्स मार्केटिंग जॉब मिल सकता है यहाँ पे। तो जो लोग चाहते हैं सेल्स में काम करना या एक प्राइवेट कंपनी में काम करना, तो स्पेंसर एक कंपनी है। यहाँ पे आप बहुत जल्दी आपका इंटरव्यू में देके यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को स्पेंसर में अगर क्या क्या न्यू लीड रिक्रूटमेंट आया है उसके लिए मैं बात करूँगा। तो दोस्तों, आपको पहले क्या करना होगा, पहले आपको इस पेज में आना होगा। तो इस पेज पे आने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्टली इस पेज में आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस पेज में आने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीचे जो कि लिखा हुआ है करंट अपॉर्चुनिटीज़। तो दोस्तों, यहाँ पे करंट अपॉर्चुनिटी में आप लोग यहाँ पे बहुत सारे जो कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकला है। तो यहाँ पे आप लोग कौन सा कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपको यहाँ पे वो देखना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी जो कि यहाँ पे है सीनियर, तो फास्ट जो है सीनियर मर्चेंडाइज मैनेजर गारमेंट, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर कलेक्शन सेंटर, असिस्टेंट मैनेजर डीसी, डिज़ाइनर किट किड्स वेयर, एग्जीक्यूटिव गारमेंट क्वालिटी एश्योरेंस एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर E&E। तो दोस्तों, आपको देखना होगा कि आप कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सा पोस्ट के लिए आप कंफर्टेबल हो। तो मैं आप लोगों को एक पहला जो की है इसको क्लिक करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सीनियर मर्चेंडाइज मैनेजर गारमेंट के लिए अप्लाई करना, तो आपको इसके लिए आपको इसमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं इसका जो जॉब डिटेल्स है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे पोजीशन जो कि है या पोस्ट जो है सीनियर मर्चेंडाइज मैनेजर गारमेंट, उसके बाद डिपार्टमेंट जो है गारमेंट मर्चेंडाइज, एक्सपीरियंस चाहिए आपको 8 to 10 years के रिटेल एक्सपीरियंस विद लिस्ट 5 to 7 years रिटेल मैनेजमेंट प्लस बाइंग एक्सपीरियंस, फुल टेक्निकल नॉलेज ऑफ रिटेल मर्चेंडाइज ऑपरेटर, हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेटिव विथ स्ट्रॉन्ग प्लानिंग स्किल। तो क्वालिफिकेशन चाहिए आपको ग्रेजुएट और MBA। तो जो लोग ग्रेजुएट और MBA है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। सैलरी जो रहेगा यहाँ पे 7 to 10,000 LPA। इसके साथ साथ यहाँ पे जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जो कि है रिटेल एंड FMG प्रेफरेट्स, स्पेसिफिक स्किल सेट जो कि है रिटेल FMG पेफर। तो इसका जो जॉब लोकेशन रहेगा कोलकाता में। जॉब डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको यहाँ पे जो कि दिया हुआ है द इनकमेंट विद लीड ऑफ कैटेगरी ऑफ एरियाज मर्चेंडाइज एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू डेवलप द एग्रेसिवली ग्रोइंग बिजनेस। तो दोस्तों, यह इसका जो यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, तो अगर आप इस डिटेल एक बार पढ़ लेना अगर आपके पास टाइम हो। तो दोस्तों, इसके साथ साथ इसका जो सैलरी जो रहेगा 7 to 10 LPA। तो दोस्तों, ये था आपको जो फास्ट जो पोस्ट निकला हुआ है सीनियर मर्चेंडाइज मैनेजर गारमेंट। तो दोस्तों, इसका इसके जो सेकंड जो पोस्ट निकला हुआ है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो इसका पोजीशन पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर कलेक्शन सेंटर के लिए। डिपार्टमेंट जो कि रहेगा F&V, मिनिमम एक्सपीरियंस 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसीजरमेंट फ्रॉम द फार्म लेवल। क्वालिफिकेशन चाहिए आपको BSc एग्रीकल्चर। तो जो लोग BSc एग्रीकल्चर पढ़ के कंप्लीट किए ग्रेजुएशन, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जॉब जो है जॉब लोकेशन जो रहेगा NCR, जो दिल्ली NCR में। इसके साथ साथ यहाँ पे आप कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप लोग एक बार पढ़ लेना इसको डिटेल्स में। तो दोस्तों, इसके बाद मैं नेक्स्ट जो पोस्ट है उसके बारे में बात करूंगा। असिस्टेंट मैनेजर के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए एक्सपीरियंस चाहिए 5 years के एक्सपीरियंस इन SCM विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग वेयर हाउस, इंडिपेंडेंटली एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग F&V इच एडेड एडवांटेज। क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे ग्रेजुएशन पास। इसके साथ साथ आपका जो
स्पेसिफिक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जो रहेगा रिटेल में, स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्किल नेट जो अंडरस्टैंड स्टीलिंग प्रोडक्शन साइकिल। लोकेशन इसका रहेगा एनसीआर, जो दिल्ली में दिल्ली एनसीआर में। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कुछ दिया है, आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए तो आप लोग एक बार पढ़ लेना इस पोस्ट के लिए। उसके बाद मैं बात करूँगा डिज़ाइनर किड्स वेयर के लिए, यहाँ पे जो पोस्ट है डिज़ाइनर किड्स वेयर डिपार्टमेंट अपीयरेंस जो रहेगा एक्सपीरियंस 8 to 10 years। क्वालिफिकेशन चाहिए NIFT पाल एकेडमी CTC, जो कि सैलरी रहेगा 10 से 7 to 10 LPA। तो दोस्तों स्पेसिफिक स्किल सेट जो कि है द इनकम्बेंट शुड बी प्रोफिशिएंट इन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। लोकेशन इसका रहेगा गुड़गांव, हरियाणा गुड़गांव में। तो इसके बाद मैं बात करूँ एग्जीक्यूटिव गारमेंट, जिसका पोस्ट है एग्जीक्यूटिव गारमेंट के डिपार्टमेंट है गारमेंट मर्चेंडाइज। एक्सपीरियंस रहेगा 2 to 3 years के। क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन पास एंड MBA। तो उसके बाद जो कि यहाँ पे है क्वालिटी एश्योरेंस एग्जीक्यूटिव, इसका इस पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए 2 to 3। क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन। इसके बाद लोकेशन जो रहेगा NCR दिल्ली में। इसके बाद लास्ट जो पोस्ट निकला हुआ है ये मैनेजर पोस्ट के लिए, यहाँ पे डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। एक्सपीरियंस रहेगा 6 to 10 years। क्वालिफिकेशन चाहिए इसका MBA CTC, जो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन ANA। तो कॉन्फिडेंस एंड एट्रीब्यूट जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड एंड प्रूव प्रोवाइड सर्विस, टीम मैनेजमेंट, रिटेल बैकग्राउंड, एक्सेल नॉलेज। लोकेशन रहेगा इसका गुड़गांव। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे जो कि यहाँ पे पोस्ट निकला हुआ है, तो आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं कौन का कौन पोस्ट के लिए आप कंफर्टेबल है अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक पोस्ट के लिए मैं आप लोगों को एक बार दिखाई दे रहा हूँ कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते। इसके लिए आपको यहाँ पे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोडेड रिज्यूम, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अपलोडेड रिज्यूम के क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे और एक पेज आएगा, जिस पेज को आपको फिलअप करना होगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नेम, आपका नेम देना होगा, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कमर्शियल, फाइनेंस, लीगल, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज, क्वालिटी एश्योरेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मर्चेंडाइज, फूड मर्चेंडाइज, फैशन। तो दोस्तों यहाँ इस तरह से बहुत सारे जो कि डिपार्टमेंट है, आपको कौन सा डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप, उस डिपार्टमेंट के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना। उसके बाद आपको लोकेशन सिलेक्ट करना, कौन सा लोकेशन के लिए आप कंफर्टेबल हो और इस लोकेशन के लिए अप्लाई करना, आपको इसका यहाँ पे उस लोकेशन को आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आपको जॉब कोड यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि यहाँ पे है ग्रेजुएशन, तो अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन की जो डिटेल, इंस्टीट्यूशन नेम, यूनिवर्सिटी नेम, ईयर पासिंग जो है आपको वो देना होगा, स्टीम रिमार्क्स देना होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास अगर हो तो आप उसको भी आपको देना होगा। तो उसके बाद अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वो भी दे सकते हैं, वो एक एडवांटेज रहेगा फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ पोस्टिंग एंड सम ऑफ ग्रेट सैलरी। तो इस तरह से आपको ये सब देना होगा। उसके बाद आपको आपका जो सिक्योरिटी कोड है आपको यहाँ पे देना हो। इसके बाद नीचे जो कि यहाँ पे है सेंड योर रिज्यूम, आपको यहाँ पे आपका जो रिसेंट रिज्यूम है CV बायोडाटा जो कि जो भी है आपको यहाँ पे वो देके आपको फॉर्म जो सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद अगर आपका जो डिटेल्स है या आपका जो फॉर्म है अगर मैच करते हैं, ये क्वालिफाई करते हैं फॉर दिस पोस्ट, तो उसके बाद आपको कंपनी से एक ईमेल या मैसेज आएगा फॉर द इंटरव्यू और इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के अगर क्वालिफाई करते हो उसके बाद आपको ये जॉब मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सिंपिंसर जो कि बहुत बड़ा कंपनी है फॉर द ग्रोसरी गारमेंट एवरीथिंग, तो अगर आप चाहते हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना, तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मेरा डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज है, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पेज है, आप लोग वहाँ पर जाके भी आप मैसेज कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो। दोस्तों मैं इस वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।